आप देख रहे हैं दखल न्यूज। स्ट्रांग रूम में ईवीएम में गड़बड़ी ना कर दी जाए, इसीलिए कांग्रेस ने चाय पर चर्चा के माध्यम से स्ट्रांग रूम डोर की निगरानी शुरू कर दी है। अब मतों की गिनती होने तक कांग्रेसी स्ट्रांग रूम पर ही धरना देंगे। भोपाल जिला जेल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चाय पर चर्चा के माध्यम से स्ट्रांग रूम डोर की निगरानी शुरू कर दी है। कांग्रेसियों का कहना है कि आए दिन ईवीएम मशीन के स्ट्रांग रूम डोर के कैमरा बंद होने की खबर आ रही है, जिससे साबित होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पहरेदारी करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेसियों का कहना है कि कैमरा बंद होने के दौरान कौन अंदर गया कौन बाहर आया, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। यहाँ भी जिन लोगों की गलतियाँ उनको सस्पेंड किया जाए, और शाम को हम 5 बजे आज फिर चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं, इस बात को पीछेंगे कि एमपी भी कहती लाइट गई नहीं और स्ट्रांग रूम की लाइट गई और जिला प्रशासन इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। ये कहीं ना कहीं शंका है। हमने कहा था ये जैम्बर लगाइए, जैम्बर नहीं लगाए गए। हमने कहा था हमारा टेंट जो स्ट्रांग रूम का गेट है सामने लगाइए, जहाँ से हमें सीधी आंखों से देखे, वो भी नहीं लगाए गए। कहीं ना कहीं इनके मन में काला है और हमें भी इस बात की शंका है कि हमारे साथ भी कुछ ना कुछ धोखा हो सकता है। सर, आज जो चाय की चर्चा हो रही है, इसमें कोई विशेष रणनीति है? कोई विशेष नहीं, हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं और चाय नाश्ता कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। सब लोग कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई विशेष नहीं। और हम यहाँ 11 तारीख को शाम तक, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक हम भोपाल की 7 सीट जीत के नहीं जाते, तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे। भाई रोज नए नए मामले आ रहे हैं, आज ही आ गया पेपरों में कि वो लाइट गई नहीं थी और वो इलेक्ट्रीशियन कह रहा है कि हमको कोई रिपेयर ही नहीं करना, फिर लाइट क्यों गई? इसका जवाब भोपाल कलेक्टर सीओ जो हैं मध्य प्रदेश के कांता राजू को देना है, हम बार बार मांग रहे हैं। दूसरा, जब वीवीआईपी आता है तो जेमर लग जाता है, इससे वीवीआईपी होगा क्या कोई है? जो लाखों भोपाल जिले के मतदाताओं के मत वहाँ पे रखे हुए हैं, वो रीवा कलेक्टर ने सही कहा था, भाई वहाँ घुस कैसे रहे लोग, जा कैसे रहे? इस बात का पूरा जवाब इनको देना चाहिए। यहाँ जेमर लगाए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें नहीं आए आज, क्योंकि ये सब शक इसलिए है कि बीजेपी का गोरख धंधा रहा है कि मैनिपुलेशन करना। और वैसे तो हम लोग 11 तारीख तक यहाँ बैठेंगे और 11 तारीख की शाम को 7 जो कलेक्टरों से, कलेक्टर साहब से 7 विधानसभाओं के विधायकों के वो लेकर जाएंगे, 7-7 सब 7-7 जाएंगे, इतने है। कांग्रेस प्रत्याशी लगातार आरोप लगा रहे हैं और स्ट्रांग रूम की पहरेदारी में लगे हैं। यह बात भोपाल तक सीमित नहीं है, आरोप सागर, सतना और रीवा में भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है, स्ट्रांग रूम के अंदर जाना संभव ही नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं पुरानी जेल भोपाल में, जहां ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम डोर के अंदर रखा गया है, काफ़ी सुरक्षा के अंदर रखा गया है, लेकिन कांग्रेसियों का भी जमघट यहां लगा हुआ है लगातार। कांग्रेसियों का कहना है कि जो मशीनें हैं उनको कहीं एक्सचेंज ना किया जाए, ईवीएम मशीनों को हैक ना किया जाए। उन्होंने कहा था कि नेट को प्रोटेक्ट करने के लिए जैमर भी लगाया जा सकता है, लेकिन जैमर भी नहीं लगाया गया है। यहाँ पे 2-3 बार से लाइट गोल हुई है, जिसके कारण कैमरा भी ऑफ हुआ है। तो कांग्रेसियों का कहना है कि कैमरा क्यों ऑफ किया गया, उसका रीज़न अभी तक बता नहीं पा रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन या बिजली इंचार्ज जो है उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब का कहना था कि कैमरा को ऑफ किया जाए। तो कांग्रेसियों का सीधा आरोप लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी के चलते वो यहाँ पे बने रहेंगे। उन कांग्रेसियों का ये भी कहना है कि 11 तारीख तक वो लगातार यहाँ पे बैठे रहेंगे, जब तक कि रिजल्ट 7 विधानसभा का रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक कांग्रेसी यहाँ पे कोई ना कोई पहरा देता रहेगा। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।